24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ साक्षी नेपाल। रूस यूक्रेन जंग, युद्ध के मोर्चे पर रूस को बड़ा झटका, पुतिन के दो भरोसेमंद सिपाही सालार में से एक की मौत, एक घायल। कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा भारतीय कहीं भी रहे भारतीयता नहीं भूलता। पीएम मोदी साल के पहले विदेशी दौरे पर रवाना, आज जर्मनी पहुंचेंगे, 3 दिन में 3 यूरोपीय देशों की यात्रा करेंगे। मौसम का मिजाज बदला, एमपी राजस्थान में 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है, यूपी में पारा 50 तक पहुंचने का अनुमान। आतंकी एजुकेशन कांड, पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर लौटे 17 कश्मीरी छात्र मुठभेड़ों में ढेर, स्लीपर सेल में हुए थे भर्ती। बोडो साहित्य सभा में पहली बार होगी राष्ट्रपति की मौजूदगी, 61वें सत्र में शामिल होंगे रामनाथ कोविंद। पटियाला हिंसा में अफवाहों पर प्रशासन अलर्ट, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से बनाया ट्विटर, ईमेल या व्हाट्सएप पर दे भड़काऊ पोस्ट की इन्फॉर्मेशन। कुमार विश्वास की याचिका पर फैसला, आज रोपड़ में दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल पर बयान खत्म। आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेज राजस्थान रॉयल्स, 180 की स्ट्राइक रेट से चल रहा है नसेल का बल्ला, 19 विकेट ले चुके हैं चहल। मेरठ में योगी की मंत्री का जोरदार स्वागत, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अगवानी में महानगर महामंत्री ने बजवाई ढोल, पहनाई पगड़ी। यूपी के चंदौली में कोरोना से एक की मौत, 24 घंटे में 269 नए केस मिले, लखनऊ में 7वीं का छात्र संक्रमित। अब यूपी के विकास से दौड़ेगा नेपाल, बॉर्डर पर खोले जाएंगे हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, इंटरस्टेट सीमा के 33 जिलों में 100 एकड़ जमीन की तलाश। गुजरात पहुंचे केजरीवाल के आरोप भरूच में, कहा भाजपा ने किया स्कूलों का बुरा हाल, हमें मौका दे नहीं सुधारे तो भगा देगा। प्रयागराज जिला अस्पताल में आज होगा मॉक ड्रिल, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ से आएगी टीम। खाकी फिर सवालों के घेरे में, योगी 2.0 में भी पुलिस पर गंभीर आरोप, कहीं आमजन तो कभी महकमे के लोगों ने ही लगाया प्रताड़ना का आरोप। यूपी की बड़ी खबरें, वाराणसी में 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत, नमाज अदा कर लौटते समय दो बाइक में हुई टक्कर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, हर महीने 2.5 से 7 हजार रुपए अधिक मिलेंगे, मुख्यमंत्री ने दी रात की घोषणा। घटाने पर आप और जेजेपी आमिर सामने, आपका तंज कितना हिस्सा ऊपर नहीं पहुंचाया, बबली बोले कार्रवाई पर कष्ट क्यों हुआ। तूफान में फंसा स्पाइस जेट का विमान, लैंडिंग से पहले लगा जोरदार झटका, 40 यात्री घायल, 10 की हालत गंभीर। सेना वही हथियार चलाएगी जो भारत में बनेगा, कंपनियां गन निर्यात भी कर सकेंगी, इसी साल होंगे बड़े बदलाव। आप देखते रहिए टुडे 24।